When we talk about group intelligence test, then एट द वर्ल्ड इज शोइंग दैट इट इज़ एक्चुअली गोइंग use to टू uh, assess the intelligence of a group. अब group कौन सा है Group का मतलब ये है वो एक class हो सकती है वो societal group हो सकता है वो एक पूरा office हो सकता है पूरा bank हो सकता है वो एक पूरी जो है वो institution हो सकती है तो group का मतलब यहाँ पे ये है कि हम एक वक्त में बहुत सारे लोगों की intelligence अगर check करना चाहते हैं तो तब हमें ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये बड़े हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं लेकिन आ, इसके ऊपर कुछ थोड़े से ग्रुप टेस्ट के लिए इश्यूज भी ये हैं कि हमें आ, ये भी इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ करते हुए देखना चाहिए कि अगर आप ये समझ लें कि सिर्फ़ एक इंटेलिजेंस टेस्ट आपने यूज़ किया है उसके रिज़ल्ट जो हैं उससे आप एक बच्चे के बारे में फ़ौरी क्विक जो है वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि ये जो बच्चा है बड़ा इंटेलिजेंट है इसलिए इसको ये करना चाहिए इधर भिजवाना चाहिए इधर भिजवाना चाहिए ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक हम उसके साथ अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर भी फाइंड नहीं करते तो हम एक कॉम्प्रीहसिवली एक किसी शख्स के बारे में एक इंटेलिजेंस की असेसमेंट नहीं कर सकते इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ साथ एप्टीट्यूड और आ, जो है अचीवमेंट टेस्ट वो भी यूज़ करने चाहिए अच्छा जब ग्रुप टेस्ट बनाए गए तो इसमें एक और जो एलिमेंट आया वो ये था कि जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज हैं ये यू और ब्रिटेन और इस तरह से डिवेलप कंट्रीज़ जो हैं वहाँ बनाए गए तो अब हमारी ज़ुबान उर्दू है तो उसमें अब देखा यह गया कि इन टेस्ट को अप्लाई करने के लिए और क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं तो कल्चर फेयर टेस्ट के कॉन्सेप्ट जो है वो एक इंट्रोड्यूस कराया गया यानी किसी भी कल्चर में वो टेस्ट अगर यूज़ किया जाए तो ऐसे उसके आइटम्स बनाए जाएं जो कि हर कल्चर को सूट करते हों तो इस तरह से कल्चर फ्री टेस्ट बनाने का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद फिर एक और इशू जो इसमें ये आया कि जब हम अगर हम ये टेस्ट यूज़ करना चाहते हैं ऐसे लोगों पे जो अनएजुकेटेड हैं तो अनएजुकेटेड लोगों की इंटेलिजेंस को हम कैसे मेजर करेंगे उसके लिए फिर जो इसमें आ, इस बात को के ऊपर काम किया गया तो उसमें कुछ स्किल्स मेजरमेंट के लिए आ, जो है वो नॉन वर्बल जिसको हम कहते हैं जिसमें लैंग्वेज यूज़ ना हो तो वो एक्टिविटीज़ बनाएंगी जिससे इंसान की इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा होगा कि किंडर गार्डन में और मॉन्टीसरी में बच्चे ब्लॉक्स बनाते हैं या उनकी शेप्स डिफरेंट जो है उनको एक बुकलेट दिया जाता है जिसमें वो उस बुकलेट के मुताबिक गाड़ी की शेप है या कोई मिसिंग शेप के कोई उसके जो फिगर होती है उसके कुछ मिसिंग पार्ट्स होते हैं तो बच्चों से कहा जाता है कि आप इन पूरे जो आपके सामने उसके पीसीज हैं एक फिगर के उसको आप जोड़ के जो है इस फिगर को कंप्लीट करें तो कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ प्लान की गई जिसमें सिर्फ सिंपल टेस्ट को टिक टिक करने वाला काम ना हो और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों से कराई जाएं या लोगों से करवाई जाएं जिससे उनकी इंटेलिजेंस का और एप्टीट्यूड का भी पता चले तो ये जो इस किस्म के एक्टिविटीज़ हैं ये इसलिए प्लान की गई ताकि बच्चे अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको एक्सप्रेस कर सकें जैसे छोटा बच्चा है वो अभी लैंग्वेज पे इतना उसकी कमांड नहीं है तो उसको इन प्ले वे मैथड से इन एक्टिविटीज़ के साथ उसकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कराने के लिए किया गया लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इधर से ही आया उसका कॉन्सेप्ट यह आया कि बहुत सारे लोग जो कि अनपढ़ हैं और जो कि उस जुबान ज़ुबान किसी को भी नहीं जानते चाहे वो इंग्लिश हो या उर्दू हो लिखना पढ़ना वो नहीं जानते तो हाउ कैन वी असेस देयर इंटेलिजेंस दैट्स वाई दे प्लान टू यूटिलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू असैस देयर इंटेलिजेंस तो इससे ये आसानी हो गई कि एक वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं उनका एप्टीच्यूड उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो है अचीवमेंट वो भी देखी जा सकती थी अब वो जो उन एक्टिविटीज़ में उनकी अचीवमेंट आती थी उस अचीवमेंट से जो है उसकी एक स्कोरिंग कर ली जाती थी और कितने टाइम में उसने वो एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी को करने में उसने कितने जो हैं वो स्टेप्स लिए कितने एपिसोड्स उसको लगे उस ट्रेनिंग को करने में जैसे देखें ना अगर आपके सामने एक फिल इन दी ब्लैंक दे दी जाए या आपको फिगर कंप्लीट करने के लिए दी जाए और या आपने देखे होंगे पज़ल्स आपने अक्सर देखे हैं तो यकीन करें ये जो पज़ल्स हैं ये बच्चों को ज़रूर देने चाहिए पज़ल्स बच्चे अगर फ़ारग बैठे हैं तो मोबाइल से हटा के आप बच्चों को पज़ल्स दें उस पज़ल के साथ जब वो एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उनका इंटरेस्ट और उनकी जो क्योसिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फुलफ़िल होती है इस तरीके से और उनकी इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर होने में बड़ा जो है वो फ़ायदा होता है उसको तो इसलिए ये पज़ल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसमें ज़ुबान ही इस्तेमाल नहीं होती इसमें टिक टिक करने वाला काम नहीं है इसमें सिंपल जो इंसान की इंटेलिजेंस है वो इन्वॉल्व होती है तो ये सारे ग्रुप टेस्ट जो हैं ये फिर उन लोगों के लिए भी बनाए गए एक्टिविटी बेस्ड जो कि ज़ुबान नहीं जानते थे इसलिए ग्रुप टेस्ट आर वेरी हेल्पफुल वैन यू आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू द पॉपूलेशंस एबिलिटीज़ Then these tests would be very beneficial.